हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। जैसा कि देख सकते हैं और पिछले वीडियो में देखें कि हम बीरगंज से काठमांडू की ओर आए हैं, तो वहाँ से अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? न्यू रोड जा रहे हैं घूमने के लिए। तो वहाँ पे चल लेंगे और दिखाएंगे। अभी निकल गए, समय हो गया है, लगभग 3 बजने वाला है और यहाँ पे काफ़ी डाउन जाना पड़ रहा है। देख सकते हैं कितना स्लोप है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं यहाँ का दृश्य। तो जैसा कि अभी देख सकते हैं, अभी हम लोग लगभग काफ़ी नीचे आ चुके हैं ऊपर से। तो चलिए आगे। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा ये नेपाल का व्यू कैसा है, नेपाल सीरीज कैसा है। तो अभी गलियों से होते हुए हम लोग निकल रहे हैं और निकलते हैं मेन रोड में और उसके बाद दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। तो जैसा कि देख सकते हैं, अब हम मेन रोड पहुँचने वाले हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ से पुल से पार होते हुए चलते हैं और न्यू रोड लगभग आ ही चुका है। तो चलिए आगे और देखते हैं। काफ़ी बढ़िया है यहाँ से। लगभग न्यू रोड आ चुके हैं हम लोग ना। तो अब चलते हैं और आगे देखते हैं न्यू रोड में और क्या है, और क्या खास है न्यू रोड का। तो चल के दिखाते हैं आप सभी को। ऐसे ही वीडियो में बने रहे आज तक। तो आप सभी को स्वागत करते हैं न्यू रोड पे। ये जो है यहाँ का सभी जो मंदिर है, मंदिर पुराना मंदिर हो चुका है। ये सब देख ही सकते हैं कितना, और जैसा फिल्मों में दिखता है सेम वैसा ही यहाँ का जो मंदिर है वैसा ही बनाया गया है। और लगभग यहाँ पे शूटिंग भी होता ही है। तो देख ही सकते हैं कितना बेहतरीन है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भी है। अभी हम हैं, ये नेपाल का गाइड है हम लोग के लिए, मेरे लिए है, गांव का ही है पर यहाँ पे गाइड के तौर पे हमको। और आज यहाँ पे इसके कहने के अनुसार आज यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने पे। और ये जो है एक, इसके बारे में मालूम नहीं पर काफ़ी बढ़िया है यहाँ का ये नज़ारा दृश्य। हाँ, और यहाँ पे आज फॉरनर्स भी दिख रहा है। हम लोग भी नेपाल के लिए फॉरनर्स ही हुए, फिर भी आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा है चारों ओर। देख ही सकते हैं कितना बेहतरीन है यहाँ का। यहाँ पे जैसा कि दुकानदार दुकान लगा हुआ है, तो देख सकते हैं दुकान में द्राक्ष है, खुपड़ी है, यही सब है यहाँ पे। और काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी दूर तक लगा हुआ है यहाँ पे। और सामने में देख सकते हैं मंदिर, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये।
काफ़ी बढ़िया और सुंदर है देखने से, और भीड़ भी आज काफ़ी ज़्यादा है। यह भी काफ़ी बढ़िया है देखने में। अब चलते हैं दूसरी ओर, और दूसरी ओर का दिखाते हैं आप सभी को। यहाँ पे देख सकते हैं कितना शानदार है ये मंदिर के ऊपर में जो कबूतर सब अपना डेरा डाले हुए हैं, और कितना ज़्यादा है सो दिखाते हैं आप सभी को। देख सकते हैं कितना ज़्यादा कबूतर है यहाँ पे, और यहाँ पे और भी मंदिर का निर्माण जारी है, मंदिर सब बन रहा है। और यहाँ पे देख ही सकते हैं, और शानदार देखने से शानदार लग रहा है, काफ़ी बढ़िया है देखने में। और भी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप सभी को। यहाँ पे इस क्षेत्र में फॉरनर्स को आने के लिए मतलब कि भारतीय लोग को छोड़ के कोई दूसरे कंट्री के लोग को आने के लिए यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं भगवान शिव का ही एक रूप है, भैरव बाबा का रूप है ये, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भी है और पूजा हो रहा है उसके कारण तो और भी ज़्यादा है। शानदार है ये देखने से भी, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलते हैं आगे और आगे का और भी दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि सामने में देख सकते हैं एक और भी मंदिर है, और ये छोटा पशुपतिनाथ मंदिर है जो कि यहाँ पे है काठमांडू में, पहले ही न्यू रोड में है। जो पशुपतिनाथ मंदिर है मेन वो दूर है, तो वहाँ पे चलेंगे तो वहाँ का भी दिखाएंगे आप सभी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं महादेव मक्खी क्लब लिखा हुआ है, और पशुपतिनाथ मंदिर का भी ये काफ़ी बढ़िया है देखने में, काफ़ी सुंदर नज़ारा, सुंदर मंदिर भी है। ऐसे ही देखते हुए चलते हैं वीडियो में आगे और भी दिखाते हैं आप सभी को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मंदिर के आगे आने से देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट का छोटा सा, और टोपी ब्लैंकेट यही सब का है, और उसके ऊपर में देख सकते हैं मार्केट काफ़ी सॉरी मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत भी है, काफ़ी बढ़िया देखने से है। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर यही दिख रहा है, और काफ़ी पुराना भी है। चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और भी दिखाते हैं आप सभी को। चलते हैं आगे। यहाँ मार्केट के बीच में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी बढ़िया है मार्केट, काफ़ी बड़ा मार्केट है यहाँ का। तो चलिए मार्केट से होते हुए निकलते हैं अब आगे। यहाँ पे लस्सी का दुकान है जो कि लस्सी पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। हम लोग भी लस्सी पिए थे और काफ़ी बढ़िया रहा लस्सी।
और यहाँ का जो एक लस्सी का जो प्राइस है 70 रुपीज़ नेपाली है, 70 रुपया नेपाली, और लगभग लगभग जो इंडियन करेंसी से होगा वो भी 50 रुपये के आसपास पड़ेगा। चलिए मार्केट से होते हुए अब हम लोग निकलते हैं आगे, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके ज़रूर उसका फीडबैक दें कि हाँ नेपाल का टूर कैसा रहा और कैसा रहा यहाँ का वीडियो सब। तो चलिए अब निकलते हैं आगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में और एक नए अंदाज से। अपना सपोर्ट ऐसे ही बना रखें और चैनल को प्यार देते रहें।